नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान में परीक्षा देने वालों को रोडवेज बस फ्री में करवाएगी यात्रा। जाने क्या क्या ले जाना होगा छूट प्राप्त करने के लिए। बस में कर सकेंगे निःशुल्क यात्रा, आदेश हुआ जारी। तो साथियों, इस संबंध में दिनांक 16/4 को एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें कि परीक्षा जो देने वाले परीक्षार्थी हैं उनके लिए राजस्थान रोडवेज बस है वो निःशुल्क यात्रा उपलब्ध करवाएगी। किस प्रकार से हम निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे उसके लिए जानते हैं क्या क्या प्रोसीजर है। ये आदेश है मेरे पास राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर का, दिनांक 16/4/2021 को जारी किया हुआ। तो आप सभी को पहले से ज्ञात होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2020-21 के बिंदु संख्या 59.0 की पालना के संबंध में संयुक्त शासन सचिव परिवहन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक इतने के द्वारा जो निःशुल्क यात्रा की सुविधा निम्न शर्तों के आधार पर दी जानी है, और ये यात्रा साधारण और द्रुतगामी जो एक्सप्रेस सर्विस है उनके अंदर दी जाएगी। तो कौन कौन से नियम होंगे यहाँ हम देखते हैं कि यह निःशुल्क यात्रा केवल परीक्षार्थी को परीक्षा दिवस के एक दिन पूर्व से लेकर परीक्षा समाप्ति के आगामी दिवस तक मिलेगी। देखिए साथियों, एक दिन पूर्व से लेके मान लेते हैं कि 16 तारीख की परीक्षा है तो 15 तारीख से चालू होगी और 16 तारीख की परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद में नेक्स्ट डे होगा अपना 17 तारीख, तो वहाँ तक का ये लाभदेय होगा जब तक वो निवास स्थान तक नहीं पहुंच जाए। बस यात्रा का उद्देश्य परीक्षा के लिए जाने तथा परीक्षा से वापस आने के लिए होगा। ये जो छूट होगी परीक्षार्थी को ले जाएगी और वापस अपने घर छोड़ देगी। यह छूट केवल परीक्षार्थियों के लिए होगी, उनके परिवार के अन्य सदस्यों को नियमानुसार टिकट लेना होगा। यदि परिवार के सदस्य साथ जा रहे हैं तो उनको टिकट लागू होगा। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र बस परिचालक अथवा टिकट काउंटर पर बुकिंग क्लर्क को दिखाना अनिवार्य होगा ताकि शून्य राशि का टिकट बनाया जा सके। यात्रा के समय परीक्षार्थी को फोटोयुक्त आईडी साथ में अनिवार्य होगा रखना। यदि परीक्षार्थी के गांव या शहर से परीक्षा केंद्र तक जाने और वापस आने के लिए सीधी बस उपलब्ध नहीं है तो वो एक से अधिक कनेक्टिंग बस का उपयोग कर सकते हैं, परंतु यात्रा का उद्देश्य इस परीक्षा के लिए जाना और वहां से वापस आना ही होगा। युवा ब्रांड एम्बेसडर को उक्त सुविधा RFID कार्ड के आधार पर देय होगी। RFID कार्ड प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार से अनुमोदित युवा ब्रांड एम्बेसडर का प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड की प्रति उपलब्ध करवानी होगी, जिससे हमको ये कार्ड मिल जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में राज्य व केंद्र सरकार की सभी परीक्षाएं शामिल होगी। बहुत बड़ी बात है कि राज्य और केंद्र सरकार की जितनी भी परीक्षाएं होंगी उसमें यह निःशुल्क यात्रा लागू रहेगी। रियायती यात्रा पर निगम पर पड़ने वाले वित्तीय भार की गणना पूर्वानुसार आदेश संख्या, तो ये तो डिपार्टमेंट से संबंधित बिंदु है, केवल परीक्षार्थी से संबंधित बिंदु यही है, बिंदु संख्या 8 तक। तो इस प्रकार से आप निःशुल्क यात्रा का लाभ ले सकते हैं अपनी आईडी, फोटोयुक्त आईडी साथ में ले जाकर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।